पंजाब म्यूजिक अगर आप देखा जाए, म्यूजिक तो काफी पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये है कि रैप म्यूजिक सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, क्योंकि उसमें ज्यादा ध्यान लिरिक्स पे दिया जाता है। सेकेंडली, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इतना रैप म्यूजिक पे नहीं किया जाता, ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी जाती। ज्यादा म्यूजिक ये है, पॉप हो गया, मतलब लव सॉन्ग्स पे ज्यादा दिया जाता है। लेकिन अगर आप हमारा म्यूजिक सुने तो वो हर चीज के बारे में, कसूर वाला अगर आप सुने, इट्स काइंड ऑफ अ लव सॉन्ग, लेकिन बरगरे कराची, मेला मजनू सब रियलिटी पे, उसका मतलब इससे कोई नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मैं अगर अपने अपने आप को दूसरे आर्टिस्ट से अलग करूं तो वो इसी तरह करूंगा कि मेरा जो जॉनर है वो ज़्यादा लिरिक्स पे है, और यही है कि म्यूज़िक मेरा उनसे काफ़ी डिफरेंट आ जाता है। वैसे जब म्यूज़िक स्टार्ट किया, काफ़ी मतलब 2009 में लिखना शुरू किया, तब ये था कि काफ़ी मेरे अलग थे, मतलब पहले मेरे बहुत अलग आइडियाज़ थे, किसी और का म्यूज़िक सुनता था, मतलब 4 साल में मैंने बहुत लोगों का म्यूज़िक सुना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मतलब मैं किसके साथ काम करना चाहूँगा, तो वो ये है कि बोहेमिया द पंजाबी रैपर के साथ, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी सुना है, उसका म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब भी सुनता हूँ। तो ये है कि ही इज़ द वन जिसके साथ मेरा ये है कि मैं उसके साथ काम करना चाहूँगा। लेकिन आर्टिस्ट अगर देखा जाए, बहुत सारे के साथ काम किया है, अभी भी किया है, लेकिन उनमें मतलब ये नहीं है कि आज अगर ऊपर निकल गया हूँ वो क्लिक नहीं कर पाए, मैं कर गया, तो उनके साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा फलक, जो अपने काफ़ी मशहूर हमारे पॉप सिंगर हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ये कुछ लोग हैं। पहली प्रायोरिटी मेरी थी हमेशा से म्यूज़िक, पहले ये था म्यूज़िक सुनना, फिर म्यूज़िक लिखना, फिर म्यूज़िक बनाना, लेकिन इसके बीचों बीच कहीं ना कहीं गेम्स, फुटबॉल बहुत खेलता हूँ मैं, स्पोर्ट्स में मेरा फुटबॉल पर ज़्यादा ध्यान होता है, और एक्सबॉक्स बहुत खेलता हूँ भाई के साथ अपने। लेकिन हमेशा से ये था कि म्यूज़िक अपना, जब से लिखना शुरू किया, क्योंकि आजकल इतने मतलब गाने हिट जा रहे हैं, फैंस भी बहुत हैं, लोग बताते भी हैं कि भाई तुम्हारे गाने यहाँ चल रहे हैं, तुम्हारे गाने वहाँ चल रहे हैं, तो तब से मेरी अब तक ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी म्यूज़िक रही है, ज़्यादा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाई पे भी नहीं ध्यान देते ज़्यादा, लेकिन वो भी साथ साथ चलानी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने म्यूज़िक पे ध्यान दिया है, उसके अलावा स्पोर्ट्स पे। डोडे को बोलते हैं साले क्रैक बॉट, काले पीले हेले मेले साथ नहीं रखते, बीबीएन के बिना इनके दिन नहीं कटते, एक पूरी एल्बम फ्रॉम अ डीएसएलआर, इनको पता ही नहीं दे यूज्ड टू बी अ वीसीआर, आधे दिन में साले 3,000 रुपए खा चुके हैं, इनके डैडी के दोनों डैडीज भी यूएस जा चुके हैं, फुटबॉल के पोस्टर्स, लव सॉन्ग के फोल्डर्स, नाइकी के टोज, ये हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स, सब पता है किस लड़की का बॉयफ्रेंड कौन है, बात बात पे बोलते हैं बॉय सीन ऑन है। जब शुरू किया था, मतलब बहुत छोटी एज में शुरू कर दिया था म्यूजिक, तब तो बहुत प्रेशर होता था फैमिली की तरफ से, मतलब कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, म्यूजिक को इतना नहीं करना, क्योंकि मतलब हमें ये कहा जाता था कि भाई एंड में तुम्हारी पढ़ाई देखी जाएगी और कुछ नहीं देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से फिर म्यूजिक बनाते गए थोड़ी अपनी चलाई, तो ये था कि जिस तरह मैंने बनाता रहा थोड़ा मेरा काम चलना शुरू हुआ। उसके बाद ये था कि टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी, फिर ये नहीं था, घर वाले ये नहीं कहते थे कि इसको भी छोड़ दो सिर्फ पढ़ाई करो, तब ये था कि टाइम को अपने मैनेज करो। तो फिर ये होता है कि आप अपना दिन में से इतने घंटे निकालें जहाँ पे आपने पढ़ाई करनी है, स्कूल की टाइमिंग अलग निकालें, म्यूज़िक की टाइमिंग अलग निकालें, ट्यूशन की टाइमिंग अलग निकालें, तो ये सारा होता है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का काम है। अगर आप टाइम मैनेज कर लें तो सब कुछ हो जाता है, मतलब अगर आपके पास टाइम मैनेज नहीं किया आपने, तो ना आप ये काम कर पाएंगे ना वो काम कर पाएंगे, दोनों को साथ लेके चलना है अगर, तो ये है कि आपको टाइम अपना सिर्फ सेट करना पड़ेगा। म्यूज़िक हमेशा से अच्छा लगा है, म्यूज़िक इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि म्यूज़िक के ज़रिए आप वो सब कुछ कह सकते हैं जो आप अपनी आम जबान में लोगों से नहीं कह सकते। आप अपना कोई मैसेज है, आप ऐसे किसी को समझाएंगे वो नहीं समझता, क्योंकि एक अट्रैक्शन आती है म्यूज़िक के ज़रिए, आप अपनी फीलिंग्स आसानी से बता सकते हैं कि भाई मैं ये सोचता हूँ दुनिया के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में। और ये है कि जहाँ तक रैप म्यूज़िक देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लिरिक्स के बारे में होता है, तो लिरिक्स के ज़रिए आप बहुत कुछ लोगों को बता सकते हैं। अच्छा, जो अच्छा ना हो या अच्छा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बुरा, आप कोई बुरी चीज़ बता रहे हैं, आप कोई अच्छी चीज़ बता रहे हैं, जो सच है वो बताते हैं। म्यूज़िक इस तरह से बहुत अच्छा है कि आप अपने मैसेज, अपनी फीलिंग सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपका क्या मूड है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप खुश हैं, जो भी आप हैं, आप यहाँ तक कि बोर भी हो ना, तो आप वो भी आप उसके किस्म का भी म्यूज़िक सुन के आप बता सकते हैं कि हाँ, क्योंकि इंसान जो म्यूज़िक सुनता है ना, वो अपने मूड के हिसाब से सुनता है। अगर आप मेरा म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो अगर आप खुश नहीं हैं, या कोई आपका, मुझे जैसे फेसबुक में मैसेजेस आते हैं कि मेरा बहुत ख़राब दिन जा रहा था, मैं रो रही थी या मैं ये कर रही थी, मैंने आपका म्यूज़िक सुना, मुझे बहुत हंसी आई, तो यही है कि म्यूज़िक आपका मूड चेंज कर सकता है।
म्यूजिक आपको मैसेज देता है, म्यूजिक इज एवरीथिंग. To the R, what you know about me? K to the A, to the R, to the A. C, H, I, we don't work, we just play. V to the U, to the R, to the G. E to the R, what you know about me? K to the A, to the R, to the A. C, H, I, we don't work, we... बर्गर अपनी कहानी कुछ ऐसे सुनाते हैं, बात बात में हाथों को प्यार से हिलाते हैं, उल्टी टोपी सर पर आईफोन हाथ में, शक्ल चूजे जैसी मगर बच्चियां साथ में. ईद के दिन भी ये तो शॉर्ट्स ही पहनते हैं, आधे नंगे होके ये तो सड़कों पर टहलते हैं, हर चीज में एक्सेंट बनते हैं अंग्रेज, ट्विटर के बगैर इनका दिन नो वे. म्यूजिक को इस तरह से एंजॉय किया है कि जब म्यूजिक बनाया तो खुद बना के बहुत खुशी होती थी. अपना गाना सुनने की अलग खुशी होती है, गाड़ी में बैठ के जब अपना म्यूजिक लगाते हैं ना उसकी अलग बात होती है. उसके अलावा ये है कि फैंस, फेम, कॉन्सर्ट्स, सब कुछ अच्छा लगता है. लोगों से मिलना, लोग आगे आपकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. और ये है कि अपनी अर्निंग भी होती है, ये भी कोई मतलब छुपाने की बात नहीं है कि इतनी सी एज में जब बंदा खुद अपने से कुछ अर्न करता है तो उसकी अलग खुशी होती है. तो ये है कि म्यूज़िक को मैंने इस तरह से इन्जॉय किया है कि मैंने अपने आप एक प्रायोरिटी बनाई म्यूज़िक, तो उसके ऊपर जब ध्यान दिया तो उसका आउटकम मिलता है. बंदा जितनी मेहनत करता है उसको उतना सिला मिलता है, तो मुझे उसका मिला म्यूज़िक से. म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा हूँ. जैसे जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था तब फैमिली से थोड़ा सा ये था कि मतलब हमारे मुल्क में रैप की नुहाव नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें देखें सबसे पहली बात सुर ताल, इसमें ये चीज़ें नहीं होती. इसमें इट्स ऑल अबाउट द लिरिक्स. एक हैवी बीट होती है, बेस होती है, किक होती है, उसका ये सारा जो है ना होता है, सीन है पूरा रैप म्यूज़िक का. क्योंकि जब स्टार्ट किया तो फैमिली ने थोड़ा ऐसा था कि भाई ये क्या म्यूज़िक है, यहाँ पे तो कोई सुनता भी नहीं है. लेकिन जिस तरह मैंने बनाना शुरू किया, फिर गाने बनते गए, लोगों ने पसंद किया, तो फैमिली ने भी इनक्रेज किया. किसी ने ये नहीं है कि ये बंद कर दो या मत चलाओ, मत करो ये म्यूज़िक, किसी ने ये नहीं कहा. मतलब मेरी फैमिली खुद मेरे कॉन्सर्ट्स पर आती है, और मेरी पूरी फैमिली में मैं पहला कह सकते हैं कि मीडिया में पहला बंदा हूँ अपनी फैमिली का. इससे पहले कोई कभी मीडिया में था ही नहीं. फोर्सेज में है, कोई डॉक्टर है, भाई मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन मीडिया की फील्ड में कोई भी नहीं है. मैं पहला मार्ब्रो का पैकेट मगर अंदर को लीफ डे विदाउट रेड बुल नो बिच हो प्लीज फुल स्लीव शर्ट स्किन फिटेड बैंड द शिट इज ऑल डाउन डू यू लुकिंग फॉर अ चांस टैप द गिटार और रे बीट के शश के जहां कोई मेला देखे बोले इससे बच के सी व्यू पे जाते नहीं उधर मेले आते हैं बीच पार्टी करने अब तो फ्रेंड्स बीच जाते हैं इनकी हालत देखकर पूरी कौम परेशान है अब पता चला मेरा क्यों बदनाम है बी टू द यू टू द आर टू द जी किसी एक आर्टिस्ट का सुनता, काफ़ी सारे आर्टिस्ट का है. सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है बोहेमिया पंजाबी, पंजाबी रैप मैं बहुत सुनता हूँ. और इसके अलावा एमिनेम, टूपाक, स्नूप डॉग, लिल वेन, ये म्यूजिशियंस हैं जो मतलब अमेरिका कैलिफोर्निया बेस्ड म्यूजिशियंस हैं. तो मैंने शुरू से मतलब रैप म्यूज़िक ही सुना है, अभी भी रैप म्यूज़िक सुनता हूँ. क्योंकि मैं जितना रैप म्यूज़िक सुनता हूँ मुझे उतना ही लिखने में, अपना म्यूज़िक बनाने में आसानी होती है. एक म्यूजिशियन जो होता है वो रैप को पढ़ता है, उसको स्टडी करता है. एक लिसनर सिर्फ हमारे गाने सुनता है. ये मतलब मेरा कोई इतना ऑफेंसिव नहीं बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ हमारे गाने सुनता है, अगर वो ना सुने तो हमारे गाने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. लेकिन ये है कि अगर एक म्यूजिशियन को देखा जाए तो वो रैप म्यूज़िक, अगर एक रैपर है तो वो रैप म्यूज़िक को स्टडी करेगा. अगर वो स्टडी नहीं करेगा वो कभी सीख नहीं सकता. आप अपने से किसी छोटा, कोई छोटा आर्टिस्ट भी हो ना, आप उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं. कोई बड़ा आर्टिस्ट हो आप उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं. बड़े आर्टिस्ट की आप गलतियों से सीखते हैं, छोटे आर्टिस्ट की भी आप गलतियों से सीखते हैं. आप क्योंकि उसने क्या नहीं किया, क्या किया, एक एक जो होता है ना, जो इनएक्सपीरियंस भी आपको बहुत एक्सपीरियंस दे जाता है. इट्स ऑल अबाउट कि आपको हर चीज़ सुननी है. म्यूज़िक हर किस्म का सुनना चाहिए. मैं ज़्यादा रैप पे ध्यान देता हूँ, उसके अलावा मैं इतना नहीं सुनता. स्लो म्यूज़िक कभी कभी सुनता हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा होता है प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हमेशा रैप म्यूज़िक रही. To the R, what you know about me? K to the A, to the R, to the A. C, H, I, we don't work, we just... Embarrassing songs, काफी हैं. Bollywood के आप अगर देखा जाए ना तो काफी embarrassing songs होते हैं. आप उनकी अगर lyrics देखें तो मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली, सबसे बुरा है वो लैला सबकी ले लेगी,
मतलब ये इस तरह के हैं कि आप अगर सुनने बैठे तो आपको ना कुछ समझ आएगा, सिर्फ ये है कि आप उस पर अगर हमारे लिसनर्स को देखा जाए मतलब हिट तो बहुत हैं ये गाने, इनकी बहुत हाइप होती है, वो इससे ऐसी होती है कि इनका ना सर होता है ना पैर होता है कोई। अब आप एक वो कौन सी मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसका आप वो ले लें इश्क वाला लव, उसका कोई सर पैर नहीं है। जैसे आप यही है कि बारिश वाली रेन हो गई, अंडे वाला बन हो गया, वो इसी तरह के गाने हैं। मतलब वो आप, मैं तो रखता भी नहीं हूँ, मतलब सवाल ये था कि अपनी प्लेलिस्ट में कौन सा एम्बैरेसिंग सॉन्ग होता है, मतलब ऐसे गाने मैं अपनी प्लेलिस्ट में रखता भी नहीं हूँ, कोई सुने तो उसको बंदा साथ भी ना बिठाए, ऐसे गाने सुनने वाले को। तो फॉर्म मैं मतलब काफ़ी जगह करना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं मेरे, यहाँ भी करना है वहाँ भी करना है। सबसे पहली मैंने परफॉर्मेंस की थी जहाँ तक मुझे याद है जमजमा पे एक बार है स्मोक इट अप शीशा कैफे, मैंने वहाँ पे पहली परफॉर्मेंस की थी और उसके बाद से मतलब ये शुरू हो गया कभी यहाँ परफॉर्म करें। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी किया, बहुत स्कूल्स में भी किया और इवेंट्स में भी, काफ़ी इवेंट्स में किया, लेकिन ये है कि मैंने सुना है, खुद सुना है कि लाहौर का क्राउड बहुत वाइल्ड होता है, और जहाँ तक रैप म्यूज़िक की बात है तो वाइल्ड क्राउड जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग शोर मचाएं, एनर्जी आती है, जब तक एनर्जी ना हो कॉन्सर्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लाहौर ऐसी जगह है जहाँ पर मैं परफॉर्म करना चाहूँगा, इस्लामाबाद है, और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा गाने सुनता हूँ कैलिफोर्निया बेस्ड रैपर से, जो कैलिफोर्निया में ही म्यूज़िक जिन्होंने बनाना शुरू किया बड़े हुए, तो मेरी ये ड्रीम है कि मैं कैलिफोर्निया में परफॉर्म करूँ, उन लोगों के सामने भी, उनकी सारी उनकी जो आवाम है उनके सामने। और ये है कि क्राउड इतना, लेकिन एक बात यह जाती है कि आप सिर्फ क्राउड अच्छा होना चाहिए, चाहे वो जगह हो कोई भी हो, क्योंकि रैप म्यूज़िक से जो क्राउड रिलेट कर गया अपने आप को, वो क्राउड जो है वो आपका हो गया। अगर आपका 500 बंदा भी बैठा है या 100 बंदा भी बैठा है, लेकिन अगर वो आपके म्यूज़िक से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आप उनको कोई एक बर्गर कराची टाइप सॉन्ग सुना रहे हैं, वो तो ऑब्वियस है कि हर बंदा उसको अपने आप से रिलेट कर लेता है, तो वो उस पर वो शोर मचाते हैं। आप अगर उनको कसूरवार सुना रहे हैं तो ये है कि काफ़ी लोग वहाँ पर ऐसे होते हैं जो उससे रिलेट कर जाते हैं। तो उसमें यही है कि जो जितना आपका क्राउड कम हो या ज़्यादा, वो आपको अगर सपोर्ट कर रहा हो, अपनी पूरी जान लगा रहा हो, तो वो सबसे अच्छी बात है। आप अपनी पूरी जान लगाएं, वो अपनी पूरी जान लगाएं। We don't work, we just play. Ray-Ban पहन के बैठी Reborn की बैक्सी पे, रिक्शा तो छोड़ो ये बैठी नहीं कभी टैक्सी पे, इसके अगले पिछलों को भी उर्दू नहीं आती, मूंछों वाले बॉडीगार्ड के बिना बाहर नहीं जाती। ये कराची मैंने लोगों को देख के लिखा है। आप जब शहर घूमते हैं ना, जब आप लोगों को देखते हैं, खास करके डिफेंस जैसे इलाके में, तो आप लोगों को जब आप लोगों को देख रहे हैं, वो मतलब उनकी हरकतें, उनकी ड्रेसिंग, उनका खाना पीना उठना बैठना, वो सब देख के ना जो चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये आई कि भाई ये बंदा बर्गर है, तो इस पर फिर मैंने बर्गर कराची लिखना शुरू किया। और मोस्टली मतलब लोग समझते हैं कि हम ये मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का, लेकिन एक तरह से ना इस गाने में एक मैसेज है कि इंसान को वो नहीं बनना चाहिए जो वो बन नहीं सकता, इंसान को अपने आप से मतलब सच्चा रहना चाहिए, लोगों से सच्चा रहना चाहिए, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बर्गर का यही कह सकते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो लोग, लेकिन ये चीज़ गलत है। मैंने बर्गर कराची भी और दूसरा मैला मजनू, ये सब रियलिटी बेस्ड सॉन्ग हैं, इनमें एक मैसेज भी है कि इंसान को जो है ही शुड बी रियल टू योरसेल्फ। उसके अलावा अगर आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं या आप वो बनना चाह रहे हैं जो आप नहीं बन सकते, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। रैप म्यूज़िक के अलावा बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर रैप म्यूज़िक ना होता तो शायद मैं भी ना होता, क्योंकि रैप मैंने शुरू से रैप म्यूज़िक ही बनाया और किसी म्यूज़िक की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर देखा जाए, अगर रैप म्यूज़िक होता ही ना, तो मैं शायद हिप हॉप की तरफ, RDB की तरफ होता, क्योंकि वो भी थोड़ा इससे ना मैच कर जाते हैं। उसमें भी यही है कि लिरिक्स पे ज़्यादा ध्यान रहता है, आपका जो मैसेज है लिरिकल मैसेज वो देना होता है, क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा लिरिक्स पे। तो अगर रैप ना होता तो फॉर श्योर RDB एंड हिप हॉप। Money's not the problem, honey. Let the credit card bill. They'll talk about me now. Say what you say. Roll your jeans, make coffee. Woke me up ahead. The time is 40 degrees centigrade. Are you out of your mind? Hidden talent as such, मेरे में इतना कोई hidden talent नहीं है. ज़्यादा talented नहीं हूँ मैं. लेकिन ये है कि lyrics लिख लेता हूँ. जल्दी थोड़ा मतलब बाकी लोगों से ना थोड़ा ज़्यादा जल्दी लिख लेता हूँ. और ये है कि आप किसी भी random चीज़ पे lyrics लिख लेता हूँ. जैसे आप खबरें देख रहे हैं, खबरों में आप भाई सुन रहे हैं कि धमाका हो गया है, तो आप वो धमाके के ऊपर लिरिक्स लिख रहे हैं, या आपने कोई ऐसा कोई देख लिया बंदा या बंदी चल रही है, आप उसको देख के आपको दिमाग में आ जाता है कि आप उसको देख के लिरिक्स लिख लेते हैं। तो ये है कि ये मेरे अंदर मैं कह सकता हूँ कि एक टैलेंट है। और ये है कि जब लोगों को वो चीज़ सुनाओ तो एक होता है ना कि जो इंस्टेंट रिएक्शन आता है, मतलब कि ये होता है कि आप अगर अपने किसी दोस्त को भी सुना दो तो एकदम जो रिएक्शन आता है ना, उससे पता लग जाता है कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी लग रही है।
ये कह सकते हैं कि एक टैलेंट है। परसा तो वैसे जैसे मामू जी का घर, तेरी गलती बस ये है कि तू है बर्गर। सारी रात स्काइपिंग, फिर सारा दिन ये सोती है, ब्रेकअप के बाद ये आधी रात तक रोती है। इनके फैशन के लेसन्स तो खत्म नहीं होते, बर्गर बॉयज के लिए पेपटे भी हैं होते। टक्कर जाए कोई देसी जट तो बैठ के है रोते, कोई बात नहीं क्रेजी सीन्स होते रहते हैं। बॉय मेरी बच्ची है पंगा ना लो, ओ बर्गर जाके अपना मुंह तो धो। मेरी इंस्पिरेशन है वन एंड ओनली बोहेमिया, द पंजाबी रैपर। उसने मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी एक लाइन है कि मैंने गीत नहीं, मैंने ईजाद की इंडस्ट्री। उसने एक इंडस्ट्री ईजाद की है पंजाबी रैप म्यूज़िक। मुझे वो मेरी एक इंस्पिरेशन है, उसको मैं सुनता हूँ, उसके लिरिक्स, उसका म्यूज़िक। मतलब वो खुद अपना म्यूज़िक बनाता है, खुद अपने लिरिक्स लिखता है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मेरी वो इंस्पिरेशन है एक बंदा। और उसके अलावा अपना पाकिस्तान में देखा जाए तो काफ़ी इस वक्त इन है रैप म्यूज़िक, काफ़ी चल रहा है। अंडरग्राउंड है, ये नहीं है कि इतना ऊपर कोई नहीं आए, लेकिन ये है कि काफ़ी लोग जो है वो रैप म्यूज़िक बना रहे हैं, अच्छे भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब वो भी गाने बना रहे हैं, मुझ पे भी गाने बनते हैं, लेकिन ये है कि रैप म्यूज़िक काफ़ी अभी इन चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा रैप म्यूज़िक।